वारदातें सामने आ रही है समाज में, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब इंसान ही सबसे बड़ा जानवर है। एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है और इंसानियत की सीमाएं उस वक्त पार हो जाती हैं जब मासूम बच्चों को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया जाता है। आपको बता दें, इलाहाबाद में एक 10 साल के मासूम लड़के को अगवा कर दो युवकों ने दुराचार करके छोड़ दिया। अपने बच्चे की मौत पर परिजनों सहित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बवाल करना शुरू कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। मृतक लड़के के परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे के साथ सर घर से 2.5 बीघे पर रामलीला होता है बलरामपुर। हम लोग बरेठी सराद में, मतलब 2 बीघा सराद में है। 6 तारीख को शाम तो घर वाले और जा रहे थे, तो उसके साथ साथ बच्चे भी जा रहे थे। तो और लोग जा रहे थे, बच्चों पेशाब करने लगा। इतने पे वो लोग कहें आ रहा बाजार में पहुँचे है, और उसके बाद दो बैठे थे वो पप्पू के वो शिवम और दयाराम के प्रवीण, और इसका मुँह दाब के उठा ले गए और उठा ले गए। उसके बाद वो मंदिर राधा मंदिर है, उसके पीछे विद्यालय के पीछे राधा मंदिर है, वहीं बगल में वहीं पर ये लोग उसके साथ मतलब बलात्कार दुष्कर्म किए। उसके बाद वो किसी तरह पेट दबाते हुए आया घर पर और रोते हुए बताया तो उसके बाद हम लोग ने 100 नंबर डायल किया। जब 100 नंबर डायल किया तो 100 नंबर वाले आए तो कहें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले आप लोग जा करके दवा करिए। थाना उतरा क्षेत्र में बरेठी गाँव में एक बच्चा रात में मेला देख के आया था। थाना उतरा पे 377 IBC का मुकदमा दर्जनों की तहरीर पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज हुआ। यहाँ जानकारी में आया है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शामिल रहे हैं, उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिल गई है। पुलिस टीम में लगातार दबिश दे रहे हैं, बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। जिस तरह से मासूमों के साथ घिनौनी वारदातें सामने आ रही हैं, वो इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कृपया हमारे चैनल को